शीला डामोर के बाद में अंतोष भाई के बाद में सचिन जी घमट रतलाम, और इसके बाद में जतिन जी पांडोर, और इसके बाद में हमारे राजकुमार जी रोहत विधायक 84 वो रहेंगे। इसके बाद में समस्त प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की टीम रहेगी, उनको सुनना, इसके बाद में हमें निर्णय लेना। और सभी साथियों से अनुरोध, एक आप जहाँ भी हो बैठ जाइए, एक बार अनुशासन बनाए रखिए। आपने कहे ना गाड़ा ने व्यक्ति उपरा हो बार भाई, तो आपने उपरा बल्ले निकले अनुशासन बगाड़ो भाई शीला। जय जोहर। मैं यहाँ पर सभी अपने चारों राज्यों से पधारे हुए सभी युवा बुजुर्ग साथी, महिला मोर्चा, फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, आप सभी को मेरा लाख लाख जोहर। मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं यहाँ पर यह कहने आई हूँ कि हमारे जो गौर दादा ने बोला है वो यहाँ पर कुछ महिलाओं ने ज्ञापन दिया वो गलत है। उन्होंने हमें शिक्षा के प्रति जागरूक किया है, और आज इसीलिए हम फिर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरा फिर प्रदेश के चारों राज्यों से यहाँ पर उपस्थित है, और हम उनका समर्थन करते हैं। और इस देश की सारी महिलाएं देश में व्रत कितने वो जानती है, लेकिन हमारे संविधान में हमारे रक्षा के कानून कितने हैं वो नहीं जानती है। इसलिए मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि शिक्षा के प्रति बढ़े, ना कि उपवास करे, उपवास को भगा और शिक्षा के प्रति बढ़ो और नौकरी पे लगो और अपने गांव जिले का नाम रोशन करो। धन्यवाद जोहर। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद जोहर। धन्यवाद भाई शीला और भाई अंशोष भाई रोहत को मैं हम